हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पीटी का जो एग्ज़ाम था 24 अगस्त को हो गया है और अब इंतज़ार है बच्चों को इसके रिज़ल्ट का कि इसका जो रिज़ल्ट जारी होगा तो इसमें जो आगे भर्तियां आने वाली हैं यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य परीक्षा के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, कट ऑफ क्या रखा जाएगा और सेफ स्कोर क्या है। क्योंकि आप इस समय यूट्यूब पर देखेंगे तो लगातार बच्चे जो हैं क्वेश्चन कर रहे हैं और जो है सर्च कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। और आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसके कट ऑफ से रिलेटेड कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है, उतनी कट ऑफ जाने वाली है। और हर चैनल पर आपको 4, 5, 6, 10 नंबर का डिफरेंस मिलेगा। कोई कह रहा है 70 जाएगी, तो कोई कह रहा है 60 जाएगी, तो कोई कह रहा है 50 जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सभी को पता है या किसी एक को पता है, सबके अपने अपने एनालिसिस हैं, सबने अपने अपने आधार पर उनका एनालिसिस किया है। जिसको जिस प्रकार के आंकड़े मिले हैं उस प्रकार से वो बता रहा है कि इसकी कट ऑफ जो है इतनी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी का सच हो जाए या सभी गलत बता रहे हैं, सभी ने अपना अपना एनालिसिस किया है और उस आधार पर आपको कट ऑफ सभी अपने हिसाब से सही बता रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। फिर भी बच्चों का जो सवाल आ रहा है कि कट ऑफ कितनी भी जाए लेकिन जो एक सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम के बाद पहले भी आपने देखा था कि इसके सेफ़ स्कोर की चर्चा चल रही थी कि आखिर सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है। तो कोई बोल रहा था 80 रहेगा, कोई बोल रहा था 90। तो देखिए, ऐसे तो आप 100 में से 99 भी लेके आइए तो सेफ़ नहीं है, जब 100 में 100 लेके आएंगे तभी कहीं आप सेफ़ होंगे। तो अगर सेफ़ स्कोर की यहाँ रियलिटी में बात की जाए, ऐसे तो कुछ भी बोल दीजिए कि 100 में 100 सेफ स्कोर रहेगा, लेकिन रियलिटी की बात की जाए कि मैक्सिमम जो है वो कितना रह सकता है सेफ़ स्कोर, मैक्सिमम कहें या फिर हम ये कह सकते हैं मिनिमम सेफ स्कोर क्या रहेगा। मैक्सिमम छोड़िए, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मिनिमम सेफ स्कोर क्या रहेगा। कट ऑफ कितनी भी जाए, कट ऑफ चाहे वो 40 जाए, 50 जाए, 60 जाए, लेकिन जो मिनिमम सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, वो क्या रह सकता है। अगर हमने इतना स्कोर किया है तो हाँ हमें पता है कि हमने इतना स्कोर कर लिया है और अब ये स्कोर सेफ है, कट ऑफ कितनी भी चली जाए। कट ऑफ क्योंकि आपको बताया ही है, अलग अलग आंकड़ों के अनुसार अलग अलग कट ऑफ बताई जा रही है। तो देखिए, सेफ स्कोर के लिए जो मैंने बच्चों से पूछा है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो बहुत सारे बच्चे, और पेपर भी आसान आया था, तो बहुत सारे बच्चे लगातार यही बोल रहे हैं कि किसी ने 80 किए हैं, किसी ने 70 किए हैं, किसी ने 90, और ज़्यादातर बच्चों का तो 80 प्लस ही मिला है। तो अब ज़रूरी नहीं कि जिसने 80 प्लस किए हैं तो उसके 80% या 80 प्लस क्वेश्चन सही ही हों, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो समझ में नहीं आता है। अच्छा खासा आया हुआ क्वेश्चन भी एग्ज़ाम हॉल में हम गलत करके चले आते हैं। तो ये कहना कि सभी के सही होंगे तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात होगी। तो देखिए, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर आपको पता ही है कि क्या रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि सबका स्कोर उतना ही हो जितने क्वेश्चन करके आए हों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी अच्छे से इसमें दी गई है। तो देखिए, जो पता चला है स्कोर के आधार पर और बच्चों के आंकड़ों के आधार पर वो ये है कि अगर आपने 70 प्लस स्कोर किया है, 70 जो नंबर है मिनिमम आप लेके आए हैं 70 या 75 के लगभग, तो आप एक ये मान सकते हैं कि लेखपाल के लिए आप सेफ़ हैं। क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी ने आगे भविष्य का बताया भी नहीं है कि वो किस अनुसार कट ऑफ बनाएगा हर भर्ती परीक्षा के लिए। लेखपाल के लिए तो पता है कि 15 गुना लिए जाएंगे तो 1.5-2 लाख बच्चों को लिया जाएगा, मिनिमम 1.5 लाख या 1,20,000 का चल रहा है अभी, तो उतने बच्चों को तो लिया जाएगा, तो उसमें आपका 60 के आसपास के जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे। लेकिन आगे जो भर्तियाँ आएंगी जिनमें वैकेंसी बहुत कम होगी, तो क्या उनके लिए भी ये रहेगा? तो देखिए, ऐसे बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो इतना स्कोर करते हैं 70, 75 प्लस या 80 प्लस, बहुत 1000 बच्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। हाँ, पेपर ज़रूर आसान आया था, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ गया था कि इतना स्कोर नहीं हो सकता है, बिल्कुल पेपर आसान आया था। तो सेफ़ स्कोर जो रह सकता है वो 70 प्लस माइनस 3 कर सकते हैं हम, सेफ स्कोर जो है 70 के आसपास रह सकता है। बाकी जो कट ऑफ आपको बताई गई थी कि 60 के आसपास जा सकती है, लेकिन जो सेफ स्कोर है वो 70 रह सकता है। आगे जो भी भर्ती आएगी जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी होगी 3-4 हज़ार के लगभग भी, तो भी सेफ स्कोर 70 रह सकता है। अगर आपने अपना स्कोर जो देखा है आंसर की वगैरह से यूट्यूब में चेक किया है,
कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो 70 के ऊपर अगर बन रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि इस साल जो वैकेंसी आएंगी यूपी ट्रिपल एससी से, उनमें आप फॉर्म फिल करने के लिए या मुख्य परीक्षा देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आपने 70 प्लस स्कोर किया है तो आप अच्छे से पढ़ाई में लगे रहिए और कट ऑफ खेलना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ वही खेलता है जो जिसका स्कोर या तो कम होता है या फिर कट ऑफ के आसपास यानी कि 55-60 ऐसा स्कोर किया रहता है। तो उन विद्यार्थियों को ज़्यादा खतरा रहता है कि कहीं हम बाहर ना हो जाएं, कहीं अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अगर आपका स्कोर 70 प्लस है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बाकी सभी वैकेंसी के लिए, लेखपाल तो छोड़ ही दीजिए। तो ये हो गई बात सेफ स्कोर की, जो कि बच्चों के द्वारा पूछा गया था। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है। थैंक यू।